सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। केरल के आधे से ज्यादा हिस्से में भीषण बाढ़ के कारण बांध, जलाशय और नदियां लबालब भरी हुई हैं। कई जगहों पर राजमार्ग ध्वस्त हो गए हैं, कई घर पानी में बह गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण करीब 54,000 लोग बेघर हो गए हैं और कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्य के कुल 14 जिलों में से 7 उत्तरी जिलों में थलसेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने और अस्थायी पुलों के निर्माण में मदद मिले। पेरियार नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान को अलर्ट पर रखा गया है। आशंका है कि कोची स्थित वेलिंगटन द्वीप के कुछ हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की लगभग सभी 40 नदियां उफान पर हैं। बीते 8 अगस्त से ही हो रही भारी मानसूनी बारिश के कारण उत्तरी एवं मध्य केरल अत्यधिक प्रभावित है। बारिश के कारण कुल 29 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 की मौत शुक्रवार को हुई। इनमें से 25 की मौत भूस्खलन से हुई तथा 4 की मौत डूबने से हुई है। कोची अल्वो में बाढ़ जैसे हालात, इडुकी बांध के पास शटर खोले जाने के बाद पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ा है। मनपुरम श्री महादेव मंदिर बाढ़ में डूब गया है। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए भारतीय तट रक्षक हेलीकॉप्टर और अग्नि और बचाव विभाग के कर्मी तैनात किए गए हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।